राम राम दोस्तों। यदि आप गलत को गलत बोलना नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में जहां हमारा भारत देश बर्बाद हो जाएगा, वहीं हम आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो कि गलत है, लेकिन हम उसे गलत नहीं बोलते हैं और धीरे धीरे उन चीजों को बढ़ावा मिलने लगता है। ऐसी ही एक चीज मुझे नजर आई जब मैं ऑफिस से अपने घर लौट रहा था और जब सीढ़ियां चढ़ रहा था तब मुझे एक कैलेंडर नजर आया। उस कैलेंडर को देखने के बाद मुझे अच्छा लगा कि चलो अच्छी बात है, कैलेंडर बांटे जा रहे हैं। हालांकि हम लोग भारतीय लोग जनवरी के महीने में कैलेंडर ले लेते हैं, लेकिन जब ये कैलेंडर देखा तो उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की फोटो नजर आई। चलो ठीक है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी अच्छा लगा कि चलो उनकी कैलेंडर में फोटो लगी है। फिर उसके नीचे जो लिखा हुआ था वो पढ़ने के बाद मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगी, राखी की शुभकामनाएं तुम्हारा भैया शिवराज। मुझे शिवराज जी से कोई तकलीफ नहीं है, राखी की शुभकामनाओं से कोई तकलीफ नहीं है, बस तकलीफ यह है कि राखी का सीजन कुछ महीने पहले निकल चुका है और अभी दीपावली आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है। यदि कैलेंडर बांटना ही था तो नवरात्रि के बांट देते, दीपावली के बांट देते, और बांटना था तो फिर जनवरी माह में बांटते, या फिर हिंदू नववर्ष जब आता है तब आप कैलेंडर बांटे, स्वागत है आपका। लेकिन ये क्या है, अब ये किसकी गलती है, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनकी गलती है या किसकी है ये तो नहीं पता, लेकिन ये गलत है। और इस तरह के जो भ्रामक प्रचार किए जाते हैं उन्हें बंद करना चाहिए, ये मुझे समझ में आता है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये केवल प्रचार प्रसार है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। अब जो बेकार कैलेंडर पड़े थे उन्हें घर भेज दिया जा रहा है, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं। ये देखने के बाद मुझे हंसी आती है कि आप क्यों हंसी के पात्र बन रहे हो राखी की शुभकामनाएं देकर, कब तक उल्लू बनाओगे, अब वोटर उल्लू बनने वाला नहीं है। आप अच्छे काम करिए, आपको वापस सिंहासन पर बिठाएंगे, कांग्रेस अच्छे काम करेगी कांग्रेस बैठेगी, भाजपा अच्छे काम करेगी भाजपा बैठेगी, या अन्य पार्टी अच्छे काम करेगी अन्य पार्टी बैठेगी, क्योंकि अब वो समय बीतने वाला है। आप स्कूल और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते नहीं है, अस्पतालों की तरफ, वहां ध्यान दीजिए, और वहां ध्यान दिया तो एक दिन ध्यान रखिएगा कि फालतू योजनाओं से कोई नहीं बहकेगा और ये सस्ते कैलेंडरों से तो कोई नहीं भटकेगा। मैं हर वीडियो को बनाने के पहले कई बार तैयारी करता हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे इसलिए तैयारी नहीं करनी पड़ी क्योंकि गुस्सा बहुत आ रहा था कि ये तुमने हमारे घर भेज क्यों दिया भैया, वापस ले जाओ, हमारे कोई काम का नहीं है, दीवारें खराब होंगी इसे लगाएंगे तो। अब कई लोगों को तकलीफ हो रही होगी जो कि भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हैं कि ये कांग्रेसी माइंड है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन कांग्रेस ये गलत करेगी ऐसा, उस दिन मैं कांग्रेस के खिलाफ भी बोलूंगा, या कोई भी करेगा तो उसके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि यहाँ जो माइंड है ना उसमें केवल भारत चलता है और इंसानियत चलती है। ये फालतू पैसे जो बहाकर आप राजनीति कर रहे हो ये हम सबका पैसा है, इसे प्लीज़ बर्बाद ना करें। और जो कर्ज ले लेकर रेवड़ी बांट रहे हैं ना उसे भी कम करें, चुनाव आ रहे हैं लोगों का भला करें, आसपास जाकर देखें भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है, अगर वो कम कर सके तो वो कम करें, लोगों की मदद करें, जो बीमार है उनका इलाज कराएं, बच्चों की पढ़ाई मुफ्त कराने की योजनाएं चलाएं, ये काम करें। स्कूलों में कौन टीचर पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, क्यों स्कूल सरकारी बंद हो रहे हैं, इस पर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी प्लीज, मैं आपको पर्सनली बहुत अच्छा मानता हूँ और मैं आपकी कुछ चीज़ें पसंद भी करता हूँ, जिनको लेकर जल्दी एक वीडियो भी बनाने वाला था कि आपकी कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिनसे लोगों को सीखना चाहिए, लेकिन उसके पहले ये आ गया तो मुझे मजबूरी में ये भी डालना पड़ा, क्योंकि गलत को गलत कहना हमारी आदत है।